शेप तो है यार, सब वेट बढ़ा मैं। हमको तो तुम भूल गए जी, कृष्ण की नगरी। तो भाई ये था मेरा जिम, जैसा कि आप देख सकते हो एक छोटा सा अपना घर में ही छत के ऊपर सेटअप, एक छोटे से 10x10 के कमरे में। तो भाई एक बार फिर से किसी भी भाई के पास अगर इंतजाम ना हो पाए किसी भी तरीके से डंबल का भी, तो वो मुझे कमेंट में डाल सकता है, मैं उसको अपनी जो मेरे पास सेट रखे एक्स्ट्रा उसमें से मैं उस भाई को उसके वेट के अनुसार मैं ये डंबल दे दूंगा। तो भाई सभी भाइयों को राम राम, और अभी आ गए हम अपने देसी जिम में जो कि मैंने अपने घर की छत पे बना रखा है। तो देख सकते हो आप, ये अपना थोड़ा बहुत वेट है जो यहीं पे रख रखा है, नीचे डंबल है, ये अपनी एक बेंच है। तो अभी करेंगे हम अपना बाइसेप्स की और चेस्ट की एक्सरसाइज। सबसे पहले अपना लाइट वेट से थोड़ा वार्म अप करेंगे, हल्का हल्का अपना मसल्स को थोड़ा रिलैक्स करेंगे। भाई सबसे पहले बाइसेप्स में हमने नॉर्मल किया है, लाइट वेट लेके थोड़ा सा मसल्स को ठीक वार्म अप किया है, उसके बाद धीरे धीरे अपना रैप बढ़ाते जाएंगे और सेट्स बढ़ाने हैं। तो 12-12 के 3 सेट करेंगे अभी ये वाला हम नॉर्मल। वही सेम रैप करेंगे, वेट बढ़ा दिया है। बारह रैप हो गए, इसमें ये नहीं है कि 12 रैप ही करते हैं, जिस भी भाई से जितना भी लगे वो उतना कर सकता है रैप में, 12, 14, 16, वो उसके ऊपर डिपेंड है कि उसकी रिपीटेशन कितनी कर रहा हो। तो अभी कई सालों के बाद स्टार्ट किया है, मतलब लास्ट जो जिम मैंने किया था, प्रॉपर जिम जो किया था वो मैंने किया था लास्ट अपना 2014 के अंदर। तो 2014 के बाद मैं अब 2024 में स्टार्ट कर रहा हूँ और अब कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि 15 साल मैंने अपनी बॉडी को लीन रखा है, ना मैंने अपना वेट बढ़ाया ना मैंने वेट घटाया। मेरा जो 15 साल का एवरेज रहा है वो मेरा 60-62 किलो इतना रहा है मेरा बॉडी का वेट। तो काफ़ी लोग पूछते भी थे मेरे आसपास जो रहते थे कि यार तू वेट क्यों नहीं बढ़ा रहा, सेम रहता है। तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो स्पोर्ट्स का है, तो उस वजह से मैं मेरे को मतलब वेट ज़्यादा पसंद नहीं था। मेरा जो वेट था 60-62 मेरा मेरे लिए काफ़ी अच्छा था, और मैं
काफ़ी उसके अंदर अच्छा फील करता था उस वेट में, मगर अब स्पोर्ट्स मेरा थोड़ा छूट गया है, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि अपना बॉडी को थोड़ा ठीक कर लूँ। कुछ ज़्यादा ही पतला लग रहा हूँ अभी, तो अब अपना थोड़ा बॉडी वेट गेन करेंगे, अपना नेचुरल डाइट लूँगा, घर का खाना, अपना देसी घी दही और फ्रूट्स वगैरह लूँगा, बस इनसे अपना वेट बढ़ाऊँगा मैं। भाई आप सब भी लगे रहो और जितना नेचुरल हो सके उतना आप नेचुरल डाइट लो, घर का खाना खाओ, अपना एक्सरसाइज करो डेली, रनिंग करो, मतलब ये चीज़ आप अगर करोगे रनिंग एक्सरसाइज और घर का खाना, तो आपकी बॉडी एक अच्छे रूटीन में रहेगी, आपको लो फील नहीं होगा, आपको हाई एनर्जी एकदम से पूरी फील नहीं होगी, एक बैलेंस रहेगा बॉडी के अंदर, काफ़ी अच्छा फील करोगे। तो आप ये सब करके देखें, जब तक मैं ये कर लेता हूँ। शेप तो है यार, मैं सब वेट बढ़ाना है, देखता हूँ कि टारगेट है 1 महीने के अंदर 5 किलो या 10 किलो वेट बढ़ाना है, देखते हैं, नेचुरल बिना किसी प्रोटीन ग्रेटीन के। यार दोस्त भी कहते थे यार तेरा खुद का जिम है, तेरी खुद की एकेडमी है, फिर भी तू वेट नहीं बढ़ाता, ये सेम बॉडी रखता है, इतना पतला है। तो भाई बात ऐसी है कि मेरा जो अभी बॉडी पोस्चर आप देख सकते हो, पतला लीन बॉडी है, मेरे को लीन बॉडी काफ़ी पसंद है, तो वेट जब भी थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ता था तो अजीब सा लगता था, इस वेट में मेरे को काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है, और जो एनर्जी है वो मेरी एनर्जी पूरा टाइम सेम रहती है, क्योंकि थोड़ा सा भी वेट बढ़ जाता था तो उसमें आलस फील होने लग जाता था अपने को, मगर अब थोड़ा बढ़ाएंगे यार, काफ़ी टाइम से एक्सरसाइज नहीं करी थी, जिम नहीं जाता था, तो बॉडी की कटिंग वगैरह जो थी वो सारी धीरे धीरे घट रही थी, तो अब बॉडी को दोबारा से एक अच्छे शेप में लेके आएंगे, तो करते हैं भाई। शेप तो है भाई बॉडी की, बस थोड़ा सा साइज बढ़ाना है, थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि मेरे को ज़्यादा वेट बढ़ाना नहीं है, मेरे को पसंद नहीं है, अपना थोड़ा वेट कर रखेंगे, पर इतना रखेंगे कि शरीर अच्छा लगे। अब बढ़ाते हैं वेट, तो भाई अब करेंगे दूसरी एक्सरसाइज। थोड़ा इसको कर देते पीछे,
तो भाई यह है दूसरी वाली, एक साथ में हाथ भर गया कभी घना टाइम हो लिया करे। एक तो यार कई बार बीच में कई बार ट्राई भी करी करने की, बट क्या था काफ़ी टाइम हो जाता ना, एक गैप हो जाता, उसके बाद एक्सरसाइज करी नहीं जाती। और मतलब एक दो सेट करने के बाद ही ऐसा फील होता है जैसे आलस सा आ गया हो शरीर में और सांस से टूट रहे हैं, तो कर ही नहीं जाती कंटिन्यू, मतलब कंटिन्यू नहीं होती एक गैप आने के बाद। तो किस किस भाई को ऐसा लगता है कि एक गैप होने के बाद एक्सरसाइज कंटिन्यू करने में बड़ा टाइम लगता है और बड़ा एफर्ट लगता है, और किस किस को आलस फील होता है फिर दोबारा उसको एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने में। जान लगा भाई जान, एक एक रैप करने में जान लगती है, एक एक रैप बहुत हैवी हो जाता है। अब वेट बढ़ाएंगे, भाई अब वेट बढ़ा के कर रहे हैं वही सेट सेम सेट, रिपीटेशन कम रहेगी बस क्योंकि वेट बढ़ गया। भाई उतनी रिपीटेशन करो जितना हो सके, ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है बेकार में। शुरुआत के अंदर ज़्यादा लगाओगे तो जैसे मैं अभी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पीछे हो रहा था, तो बैक में भी इंजरी हो सकती है, खिंचाव हो सकता है। तो अपना जितना इजीली आराम से लगे सिर्फ उतना ही करो, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मुझे 10 रिपीटेशन करनी है 12 करनी है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। शुरुआत में अपना जितना जिस भाई से लगे ना उतना करो। तो अपने को अभी 8 ही लगे हैं ठीक से, तो 8 ही करिए। बहुत हैवी है भाई, हिला दिया पूरा नू हो गया, टाइम लगेगा भाई टाइम लगेगा, उस लेवल पे भी आएंगे जब इजीली कर लेंगे सारा। तो भाई अब तीसरी एक्सरसाइज करेंगे रोड के साथ, तो लाइट वेट लगा रखा है कितनी की 5-5 की है। भाई पहला दिन है ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करेंगे इस रोड के साथ हम, वही पर अपना जो एक पूरी सेट होता है वो पूरा सेट करेंगे। अभी ये 3 का सेट करेंगे इसका हम, फिर इसके बाद एक एक्सरसाइज और है जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है बाइसेप्स में,
वो इसके बाद दिखाऊंगा। यहाँ पेन होने लग गया है काफ़ी टाइम के बाद, ज़्यादा कर रहा हूँ मतलब, वैसे तो ज़्यादा नहीं है ये देखा जाए तो, मगर मेरे जैसे बंदे के लिए ज़्यादा ही है जो 10 साल के बाद कंटिन्यू कर रहा है। भर गए हाथ भाई कती तगड़े वाले। चलो लास्ट सेट करेंगे। लास्ट करेंगे फिर आज के लिए पूर्ण विराम करेंगे आज एक्सरसाइज में। तो लास्ट एक्सरसाइज है भाई ये, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके बाद खत्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लास्ट, ये है इसको बोलते हैं हैमर कर्ल। ये भाई बहुत इम्पोर्टेंट है, धीरे धीरे करेंगे। ये दोबारा के सेट करेंगे। इससे क्या होता है कि अपना ये वाला जो फोरआर्म का ये है, एक तो ये इसमें मजबूती आती है, ताकत आती है, दूसरा अपना ये वाला जो हिस्सा ना इसको बाइसेप्स को, इसमें इसकी ग्रोथ में काफ़ी वो करती है हेल्प। अगर आप हैमर कर्ल करोगे तो आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, मगर जो ये वाला हिस्सा ना फोरआर्म का, इसको बड़ा मजबूत करती है, यहाँ पर पूरी जान आती है बहुत ज़्यादा, जो कि बहुत हेल्प करता है आगे इनिशियल वेट उठाने में। हैमर कर्ल भी कर दी, बाइसेप्स की लास्ट एक्सरसाइज थी आज की, तो कंप्लीट है यहाँ पे। अब अपना नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा 2 सेट 3 सेट अपना चेस्ट के करेंगे बेंच पे, और फिर इसके बाद आज की एक्सरसाइज करेंगे ख़त्म। ठीक है भाई, जय श्री राम। हमको तो तुम भूल गए जी, कृष्ण की नगरी श्याम श्याम तेरे तेरे।
श्री राम, जय श्री राम। यार बहुत इंजरी भी हो रखी है यार अपने को, साला शोल्डर में इंजरी थी, हिप बोन इंजरी थी, बहुत इंजरी है, शिन पेन रहता है। एक स्पोर्ट्समैन के लिए बड़ी दिक्कत होती है यार, इंजरी एक लाइफ का हिस्सा बन जाती है स्पोर्ट्समैन के लिए, बट फिर भी धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। आप सब भी भाई जो जिम नहीं जा सकते भाई, उनके लिए है अपना घर में ही आप 2-3 सेट डंबलों का लेकर के आ सकते हो, और एक अपना ये सिंगल बेंच जो है ये ले सकते हो, ये बेंच ला सकते हो। अगर ये वाली बेंच का इंतजाम ना हो सके तो क्या होता है कि अपना डंबल हो ना, तो डंबल से ही आप चेस्ट का भी कर सकते हो, डिफरेंट एक्सरसाइज कर सकते हो डंबल के साथ ही, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा अभी वीडियो में, मैंने डंबल के साथ ही ज़्यादातर बाइसेप्स का अलग अलग तरीके से किया है, और डंबल के साथ ही आप चेस्ट पे भी कर सकते हो अगर आपके पास ये वाली बेंच है, तो सिंगल बेंच आपको इस वाली की ज़रूरत नहीं है। भाई अपना जो सेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम 12-10-8 का चेस्ट के अंदर। एक और बात है भाई, किसी भाई को डंबल सेट में अगर दिक्कत हो खरीदने में भी, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है भाई, मेरे को कमेंट में डाल दे, तो मैं उस भाई को ये अपना डंबल सेट मेरे पास रखे हुए हैं कुछ एक्स्ट्रा, तो मैं उसको गिफ्ट कर सकता हूँ। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे। भाई जय श्री राम। अभी अपना लास्ट सेट करके बेंच का तो मैं ख़त्म कर रहा हूँ आज की वीडियो यहीं पे। तो भाई ये था मेरा जिम, जैसा कि आप देख सकते हो एक छोटा सा अपना घर में ही छत के ऊपर सेटअप, एक छोटे से 10x10 के कमरे में। ये मेरी बेंच है, ये भाई बेंच आप बताओ कि कितने साल पुरानी हो सकती है। और ये जो मेरा वेट है, ये मेरे लोहे का वेट है जितना भी, ये तो अभी कलर करवाए थे, वैसे तो ये हरा था, सारा वेट मेरा हरा था। ये डंबल आप बताओ, जिस भाई ने भी गैस अच्छा किया, सही किया, उसको कुछ ना कुछ एक गिफ्ट बढ़िया सा अपनी तरफ से करेंगे। तो ये अपना देसी जिम था, तो आज से शुरुआत करिए अपना दोबारा से जिम करने की। मेरे को यार जिम में जाके एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, क्योंकि बचपन से ही अकेले ही करी एक्सरसाइज, अपना घर में ही वेट था सारा, क्योंकि पापा वगैरह लेके आए थे, वो भी जब अपनी उम्र में थे तो उनको शौक था, तो उनके टाइम का सारा है। तो हिंट भी दे दिया मैंने आपको कि कितना पुराना हो सकता है ये, तो भाई कमेंट करके बताएं। एक बढ़िया गिफ्ट होगा हमारी तरफ से उस भाई के लिए जिसने सही गैस किया, ठीक है। तो भाई मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, वेट भी बढ़ाना है अपना, तो कंटिन्यू करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है भाई। तो सारे भाई मिल गए, सारे पतले पतले भाई मिल गए, वेट बढ़ाऊंगे, ठीक है। देखते किस भाई का जल्दी बढ़ेगा।